तो फाइनली दोस्तों यार आज हमारे सामने दो बाइक्स खड़ी है, एक है होंडा की तरफ से आने वाली हॉर्नेट 2.0 और एक है एक्सट्रीम 160R4 भी। तो यूट्यूब पर पहली बार हम आपके लिए इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं और एक में यार कुछ ज़्यादा है तो एक में कुछ ज़्यादा है, दोनों में कुछ ना कुछ ज़्यादा और कम होने वाला है। तो किस में क्या कुछ कम ज़्यादा होने वाला है आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए। तो देखो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट के लुक से। तो जब आप हॉर्नेट का फ्रंट का लुक देखेंगे तो यहाँ पर देखो हॉर्नेट की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, DRL फ्रंट की देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर जब आप सस्पेंशन देखेंगे तो यहाँ पर शोवा के सस्पेंशन मिलेंगे, USD में होने वाले हैं। और जब आप देखेंगे एक्सट्रीम के सस्पेंशन तो कंपनी ने यहाँ पर USD सस्पेंशन दिए हैं जो KYB के होने वाले हैं। फ्रंट का लुक देख सकते हैं, LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले हैं, DRLs देखने के लिए मिलेंगे दोनों ही बाइक्स में। जब आप चाबी ऑन करेंगे तो DRL और LED में जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर आपको चालू दिखाई दे जाएंगी। साथ में एक चीज ज्यादा है हॉर्नेट में, यहां पर जब आप देखेंगे तो 110 सेक्शन का टायर फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएगा, पेटल डिस्क होने वाले। साथ में यहां पर आप देख सकते हैं फ्रंट का लुक। और जब हम देखते हैं एक्सट्रीम का तो यहां पर 190 और 17 का टायर होने वाला है, यहां पर भी आपको पेटल में डिस्क फ्रंट की आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको मिल जाएगी। साथ में जब दोनों ही गाड़ियों का हम फ्यूल टैंक देखते हैं तो यहां पर जब आप हॉर्नेट का फ्यूल टैंक देखेंगे तो यहां पर देखो आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। डिज़ाइन आप देख सकते हैं ग्लोसी ब्लैक कलर के डिज़ाइन, और यहाँ पर ग्राफिक आप देख सकते हैं हॉर्नेट के कुछ इस तरीके से आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि बिल्ट क्वालिटी भी ठीक है दोनों ही गाड़ियों की, जब हम बिल्ट क्वालिटी देखते हैं यहाँ पर होने वाला है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, यहाँ आप देख सकते हैं डेकल का डिज़ाइन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाला है। टैंक के आगे हम आपको दिखा देते हैं तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से फ्रंट डेकल का डिज़ाइन होने वाला है एक्सट्रीम का। और यहाँ पर थोड़े से साइड के जो पैनल्स हैं वो यहाँ पर आपको आगे से देखने के लिए मिलेंगे जब आप देखते हैं हॉर्नेट के डिज़ाइन में। साथ में हम मीटर कंसोल की बात करते हैं तो एक्सट्रीम का जब आप देखेंगे मीटर कंसोल तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो आपको USB चार्जिंग का सॉकेट, और साथ में जब आप मीटर देखेंगे तो मीटर कंसोल में भी काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, टाइम बता देगा, ABS का साइन बता देगा। यहाँ पर देखिए आपको 2 ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको स्टैंड अलार्म, यानी कि सारी चीज़ें बता देगा 11,000 RPM तक। और यहाँ पर हैजार्ड लाइट का स्विच, और यहाँ पर इंजन का गियर स्विच, इंडिकेटर वगैरह, और हैंडलिंग भी बढ़िया होने वाली है। और जब हम हॉर्नेट का लुक देखते हैं तो हॉर्नेट का भी मीटर देखो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, यहाँ पर आपको 11,000 RPM तक बताता है। स्टैंड अलार्म की बात हो, यहाँ से मोड्स देख सकते हैं आप, 2 ट्रिप मीटर की बात हो, और ये सारी ही चीज़ें, चाहे टाइम की बात हो, ये सारी चीज़ें इसमें भी आपको दिखाई दे देंगी। लेकिन इसमें आपको USB चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए नहीं मिलता है। हैजार्ड लाइट इसमें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ये होने वाला है इंजन का किल स्विच। तो फंक्शंस वगैरह सारे ही इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। तो जब आप पावर देखते हैं तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है, 17 BHP की पावर, 16.9 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इंजन काउल देखने के लिए मिलेगा, मोर रिफाइन इंजन होने वाला है, रिफाइनमेंट के साथ साथ या रिलायबल इंजन होने वाला है। नीचे आप देख सकते हैं इंजन का काउल, लेकिन एयर कूलिंग वाला सिस्टम है। और जब हम एक्सट्रीम में देखते हैं तो यहाँ पर ऑयल कूलर लगा है, लेकिन इसमें एक चीज़ कम हो जाती है, वो होने वाली इसकी पावर। इसमें आपको 16.7 BHP की पावर देखने के लिए मिलती है और 15.9 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। साथ में एडवांस FI टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब पावर की बात होती है तो कहीं ना कहीं हॉर्नेट में थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है, लेकिन कूलिंग सिस्टम नहीं है। अब एक चीज़ और हॉर्नेट में बढ़ती है जो एक्सट्रीम में नहीं है, जब आप टायर देखेंगे तो रियर का टायर होने वाला है 140, 70 और 17, यानी कि यार 180cc की बाइक भले ही है ये, लेकिन 160cc सेगमेंट की किसी भी बाइक में आपको 140 सेक्शन का टायर देखने के लिए नहीं मिलता है, 130 ही आता है, चाहे आप NS में देखें या N160 में देखें। और जब आप देखते हैं एक्सट्रीम का टायर तो यहाँ पर देखो 130, 70, 17 का टायर देखने के लिए मिल जाता है। रियर में आपको 240mm की डिस्प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी, और साथ में रियर में देखेंगे तो LED में टेल लाइट होने वाली है, LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले हैं। लुक्स देख सकते हैं रियर का कुछ इस तरीके से देखने पर लेगा। और वहीं जब हम हॉर्नेट का देखेंगे तो हॉर्नेट में भी रियर में LED टेल लाइट है, LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले हैं। साथ में रियर का आप लुक देख सकते हैं। सस्पेंशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में देखने के लिए मिल जाएंगे, 8 वे तक एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में एग्जॉस्ट देख सकते हैं, सिंगल एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके से होने वाला है। डिस्प्लेट आप देख सकते हैं, पेटल में डिस्क रियर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक बार गाड़ी चालू करके इसका हम साउंड सुनवा देते हैं गाड़ी का आपको, पहले यहाँ से हम गाड़ी को न्यूट्रल कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आपको गाड़ी का साउंड सुन। गाड़ी हमने चालू कर ली है, माइक हम यहाँ पर लगाए।
आपको सुनवा देते हैं एक्सट्रीम का साउंड। यहाँ पर हम माइक लगा देते हैं। साउंड आपने सुना दोनों ही गाड़ियों का। अच्छा, एक चीज़ जो है वो हॉर्नेट में थोड़ी सी ज़्यादा है जो आपको एक्सट्रीम में देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो माइलेज की जब हम बात करते हैं तो देखो, भले ही हॉर्नेट का जो पावर है वो एक्सट्रीम से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जब माइलेज की हम बात करते हैं तो हॉर्नेट का माइलेज थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑनर जो क्लेम करते हैं उस हिसाब से हॉर्नेट का जो माइलेज है कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल के आता है। 40 से 45 की MPL का सिंगल में अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको हाईवे पर दे देती है, लेकिन जब एक्सट्रीम की बात होती है तो एक्सट्रीम का माइलेज टेस्ट आई बटन में आप देख सकते हैं जो हमने किया था सिटी का। और अगर हाईवे पर हम बात करें तो हाईवे में आपको 40 की MPL तक का देगी, यानी कि थोड़ा सा माइलेज यहाँ पर हॉर्नेट का बढ़ जाता है। और जब हम सीट कंफर्टेबल की बात करते हैं, सीट कुशनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर सीट कुशनिंग ज़्यादा बेटर होती है यहाँ पर एक्सट्रीम की, क्योंकि सिंगल सीट बेटर होती है यहाँ पर। देखो, राइडर और पिलियन दोनों के लिए स्प्लिट में ग्रैब रेल्स होने वाली है, साथ में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है, 790 mm की सीट हाइट होने वाली है। और जब हम हॉर्नेट की देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने के लिए मिलेगी। हालाँकि ये भी कंफर्टेबल है, फ्रंट के लिए भी थोड़ी सी हार्ड लग रही है, लेकिन बैठेंगे तब आपको हार्ड नहीं लगेगी। यहाँ पर देखो, स्प्लिट में सीट है, पीछे की आगे की स्प्लिट में ग्रैब रेल्स होने वाले हैं, 165 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग सेम होने वाला है, 790 mm के अप्रॉक्स सीट हाइट होने वाली है गाड़ी की, यानी कि सीट हाइट भी दोनों की सेम होने वाली है। लेकिन राइडिंग और सीटिंग की जो कंट्रोलिंग है थोड़ी सी यहाँ पर जब आप बैठेंगे हॉर्नेट पर तो देखो, जो इसका हैंडल है थोड़ा सा ऊपर है, जब हम हैंडल देखते हैं एक्सट्रीम से तो जो राइडिंग टू सीटिंग पोस्चर है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बन जाता है हॉर्नेट का। लेकिन ये तो मित्रों आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल लग रही है। अगर आपकी हाइट 5.8 है तो आपके लिए कहीं ना कहीं हॉर्नेट और एक्सट्रीम दोनों ही बेटर ऑप्शन हो सकती है, लेकिन ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है। एक चीज़ है जो है डबल चैनल ABS, जो अभी हॉर्नेट हो सकता है कोई अपडेट आएगा तो उसमें डबल चैनल ABS इसमें आ जाएगा, इसमें डबल चैनल ABS मिलता है। तो यही कुछ डिफरेंस है, कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं दोस्तों यार, लेकिन ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है। मित्रों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।